प्रूव दैट टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू टेन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये बोर्ड पर सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और कई बार इस एग्जाम में आए हुए हैं बोर्ड में। उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है प्रूफ दैट टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमें प्रूफ क्या करना है आरएचएस में है टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ते हैं एलएचएस की ओर टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोगों को बेसिक फॉर्मूला याद है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। पिछला वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं। और टेन थीटा बराबर हम पढ़े हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और उसी तरह से कॉट थीटा बराबर होता है इसका उल्टा होता है, चूंकि आप पढ़ चुके हैं कि टेन जो है का दुश्मन जो है वो कॉट होता है। इस तरह का ये फॉर्मूला आप जानते हैं। कहीं भी किसी भी ट्रिगोनोमेट्री प्रॉब्लम में आपको यह लगेगा कि टेन कॉट सेक कॉसेक दिया हो उसको एकदम सूत्रा में चेंज कर दिया साइन और कॉस में। जैसे साइन और कॉस में चेंज करेंगे सारा प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगा। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। टेन को जैसे ही चेंज कीजिएगा तो क्या होगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब इसको आगे बढ़िएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा यही होगा। अब सपोज चूंकि आप पी बाई क्यू फॉर्म में आप जानते हैं तो वन होता ही है। अब एलसीएम आप इसको लीजिएगा तो एलसीएम में क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ये आपका रिजल्ट मिलेगा। आगे हम इसको बढ़ते हैं तो देखिए यहां पर भी साइन है और साइन यहां पर है, दोनों जगह साइन है, बीच में माइनस साइन है। तो साइन को हम क्या करेंगे कि पहले कॉमन ले लेंगे साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसको आगे जैसे बढ़ेंगे हमारे पास दिया हुआ है एलएचएस में अब तक जो हम लोग सॉल्यूशन किए सूत्रा तो अभी तक तो आया नहीं जो हमको रिजल्ट चाहिए था एलएचएस में तो कैसे आएगा। अब देखिए कुछ आ रहा है नजर आ रहा है ना दिखा हुआ लग रहा है कि अब आ जाएगा देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बेसिक फॉर्मूला है अगर आपको साइन निकालना है तो क्या कीजिएगा ये प्लस वाला जो साइन है कॉस के साथ इधर भेजिएगा ना तो वन माइनस कॉस थीटा नहीं होगा। अगर साइन थीटा अगर आप निकालते हैं इस फॉर्मूला से बेसिक फॉर्मूला से तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना। तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा आया हुआ है बटे कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको देखिए तो कितना बढ़िया सा सॉल्यूशन हो गया अपने आ गया, कुछ मेहनत ना करे पड़ा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। क्या ये आरएचएस है प्रूफ देखिए। जितना जल्दी हो सकता है इसका स्क्रीनशॉट ले ताकि हम आगे भी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करें। हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर टू की ओर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस थीटा बटे वन प्लस कॉस थीटा। अब आप इसको एलएचएस को सॉल्व कीजिए। एलएचएस
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी सॉरी स्क्वायर जो दिया हुआ क्वेश्चन में वो होल स्क्वायर दिया हुआ कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब हम क्या कहते हैं आपको, आपको याद है ना क्या कहते हैं कि अगर टेन से कॉस है कुछ भी हो उसको हम लोग साइन कॉस में चेंज कर देंगे। तो इसको हम लोग ऐसे चलते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक किसका था याद कीजिए, किसके साथ सेटिंग था, साइन के साथ सेटिंग था, साइन इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू वन, इसके साथ ही ना सेटिंग है। तो आपको अगर कॉसेक निकालना है, कॉसेक को चेंज कर देना है तो किस में चेंज होगा, वन बटे साइन थीटा में, किस में चेंज होगा साइन थीटा। तो इसको लिखिए वन बटे साइन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या है कॉस बटे साइन, कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इन दोनों का नीचे एलसीएम, साइन थीटा एलसीएम हो गया और वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्लियर। इसको और आगे बढ़िए तो दोनों में चेंज कर दीजिए, यानी कि वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे बटे में साइन स्क्वायर थीटा आएगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए तो हमको यह मिलेगा कि साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे, जैसा कि आप देख रहे साइन स्क्वायर थीटा को आप चेंज कीजिए वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में, क्योंकि दोनों हमको आरएचएस में कॉस में बदलना है, एक ऊपर बदल चुका है नीचे बदलना बाकी है, बस अब कुछ नहीं है, बन गया प्रॉब्लम। आप सब बहुत ही इजी वे में आप समझ रहे हैं, वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अभी आप बेसिक फॉर्मूला पढ़े थे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। तो इसको दो बार लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस थीटा को आप दो बार लिखिए, वन माइनस कॉस थीटा दो बार लिख दिए। अब याद कीजिए एलजेब्रा, एलजेब्रा एलजेब्रा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है। तो देखिए ए का यानी वन का स्क्वायर करेंगे तो कितना वन है ना मिलेगा, माइनस बी का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी हमारे पास ए के जगह पर वन और बी के जगह पर कॉस थीटा है। तो हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो वन माइनस कॉस थीटा और वन प्लस कॉस थीटा, एक माइनस माइनस कैंसिलेशन, तो रिजल्ट आएगा वन माइनस कॉस थीटा बटे वन प्लस कॉस थीटा, ये आपका आरएचएस है। प्रूफ हो गया, जल्द से जल्द इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब एनसीईआरटी के प्रॉब्लम है जो आपको, आप सब जो देख रहे हैं वो एस मल्लिक जीए सेंटर आपका अपना यूट्यूब चैनल है। चलिए दोस्तों आइए अब हम लोग प्रूफ थ्री वाला करने जा रहे हैं, जो आपका स्क्रीन बोर्ड पे लगा हुआ है क्वेश्चन नंबर थ्री, चूंकि हम लोगों ने वन और टू प्रूफ कर दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री के प्रूफ के लिए, वन और टू प्रूफ हो चुका है, थ्री नंबर के लिए आइए। थ्री नंबर का सॉल्यूशन आपके सामने है, क्या क्वेश्चन है, एलएचएस लेते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्वेश्चन एलएचएस में ही है। देखिए राइट साइड देखिए लाना किसमें है, सेक और टेन में, ये माइंड हम लोगों का क्लियर है कि हम लोगों को किस में लाना है ना। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले नीचे वाला का आप एलसीएम ले लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लीजिएगा इसको तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर आप करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्लियर। अब यहां पर साइन साइन ही कैंसिल, तो ये बच गया, इससे इसका स्क्वायर हो गया
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखिए ध्यान से, ये सेम चीज है। जैसे मान लीजिए ये भी ए है और ये ए है, एक एग्जांपल से समझा रहना चाह रहे हैं, क्योंकि जितना लंबा लिखेंगे तो उतना लंबा हो जाएगा। चलिए लिख के ही करते हैं ताकि आपको इजी लगे। अभी हम आपको बेसिक पढ़ा रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक्स है, लेकिन बेसिक अगर मजबूत होगा तो आपकी गाड़ी कभी भी कहीं भी मझधार में नहीं फंसेगा। अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स रखिएगा, बेसिक आपको जानकारी नहीं है, तो आपकी गाड़ी फंसना तय है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स उसी तरह से है, शॉर्ट ट्रिक्स स्वीट पॉइजन्स। आगे बढ़ते हैं बेसिक की ओर। तो आगे हम देख रहे हैं, ये तो सेम नंबर है, तो इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, पहले बटन ले दिया, मिल जाएगा ये, और इसका भी होल स्क्वायर होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आगे इसको बढ़ाइए, है ना, तो आगे इस पर नीचे गया तो हम लिखना भूल गया अभी, है ना, तो नीचे वाला तो कौन लिखेगा, हम ही ना लिखेंगे। अब ये देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन और कॉस याद कीजिए, अभी आपने पढ़ा ए प्लस बी और ए माइनस बी, इन दोनों को जब सॉल्व करते थे तो फार्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़े थे ना, और एक फार्मूला आपको पता है कि अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, अगर यहाँ माइनस साइन हो तो यहाँ माइनस, बाकी वही सेम नंबर होता है ना फ्रेंड्स। आगे बढ़िए, तो ये दोनों प्लस माइनस और सेम नंबर में है, तो इसका स्क्वायर यहां आप लिख देंगे, क्लियर। आगे बढ़िए, इसको आप सॉल्व करें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर उस फॉर्मूला के बेस पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्लियर। आगे बढ़िए, इसको अगर आप लिखिएगा तो अगर यही चीज होगा लेकिन माइनस में होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, डिवाइड में जो टर्म आपका दिया हुआ है उसको ऐसे छोड़ दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यह टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस और माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बेस है ना, हमने पढ़ा है ना बेसिक, बस इसका रिजल्ट क्या होगा, जब दोनों दोस्ती करने का रिजल्ट वन है ना, तो जब ये दोनों रिजल्ट दोस्ती कर लिया तो इसका क्या वैल्यू आया, वन, वन प्लस वन डिवाइड साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड, ये कितना आ गया, टू डिवाइड साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमको क्वेश्चन में क्या लाना है, सेक स्क्वायर थीटा, यहां साइन है, अगर टेन लाना है तो हम सोचिए जरा सा कि टेन बराबर होता था साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस, साइन तो है ही है, इसका मतलब हमको यहाँ कॉस लाना होगा, तो न्यूमरेटर ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, दोनों में कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दे, लिखिएगा इस तरह से, डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर, दोनों साइड हम ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। देखिए उसके बाद देखिए, टू बटे दो बटे कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जब इसको डिवाइड कर रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब आगे सॉल्व कीजिएगा इस प्रॉब्लम को, तो टू इंटू वन बटे कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि टू वन जा टू वही चीज आएगा, कोई चेंजिंग नहीं बदला। अब इसको आप ऐसे अलग अलग सेपरेट कर दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा बटे
कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिलेशन हो गया, क्लियर। अब इसको आगे सॉल्वेशन करेंगे तो टू वन बटे कॉस जो होता है वो सेक में बदल जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड साइन बटे कॉस, ये हो गया आपका टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन, हो गया। इसी तरह से प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करते हैं, एक बार इसको आप बढ़िया से देख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है। आगे नेक्स्ट वीडियो में आप ट्रिग्नोमेट्री का और भी प्रॉब्लम जो एनसीईआरटी में आया हुआ है उसी को पढ़ेंगे और बेहतर से बेहतर एक्सप्लेनेशन करेंगे। आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।